kindly subscribe to my channel Urusa's World and press the bell icon for more videos and updates. अस्सलामु अलैकुम गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल उरूसाज़ वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं मॉर्निंग से। यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, पराठा और साथ में अंडा है। तो ये था मेरा आज का ब्रेकफास्ट। मौसम इतना खूबसूरत हो गया है, आपको पता है कि कराची में बारिशें हो रही हैं। कल भी बहुत तेज़ बारिश हुई थी और आज भी बारिश का इम्कान है। हमने बहुत इन्जॉय की और इतनी ठंडी बारिश थी ना, सच में मज़ा आ गया। और आज भी सबको इंतज़ार है कि बारिश हो, और अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला रहमत की बारिश दे ताकि कोई भी नुकसान ना हो और हम बारिश को इन्जॉय कर सकें। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत लग रहा है वेदर, आप देख सकते हैं। वीडियो में जितना अच्छा लग रहा है ना, उससे ज़्यादा रियल में लग रहा था ये। तो अब उसके बाद दोपहर के खाने की तैयारी हो रही है। दोपहर में बनी है मटन कढ़ाई और बहुत ही मज़ेदार बनी थी, अम्मी ने बनाई थी। और उसके बाद जी मैं छत पे जा रही हूँ ये, और छत पे जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना खूबसूरत वेदर है। और ये मैं छत पे आ चुकी हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि कितना अच्छा लग रहा है। और ये हल्की हल्की बूंदाबांदी भी आ रही थी, और ऊपर अब्दुल हक इन्जॉय कर रहे थे इस खूबसूरत से मौसम को। और अब्दुल हक को ना आजकल इतनी पसंद आ गई ना बारिश। एक बार अब्दुल हक को हमने बारिश में नहलाया, उसके बाद जब भी बारिश होती है ना तो अब्दुल हक कहते हैं कि बस मुझे छोड़ दो, मुझे बारिश में नहाना है। हालांकि उनको सर्दी भी लग रही होती है, लेकिन बस उनको नहाना होता है। और जी भाई ले आए थे गर्मा गर्म रोल, चिकन रोल, ये हम लोगों ने इन्जॉय की। इस मौसम में इस तरह की चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं। और ये जितने भी पिक्चर्स हैं ना, ये सब बिलाल ने ली हैं। इसका सारा क्रेडिट बिलाल को जाता है, जो जितने भी वीडियोस मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि हमारे बिलाल जो हैं वो एक्सपर्ट हैं पिक्चर्स में, वीडियोस में। अब जब भी कोई ओकेजन होता है, कोई भी इवेंट होता है, तो हम बिलाल को ढूंढते हैं कि वो हमारी पिक्चर्स ले लें। तो ये सब मेरी छत का ही नज़ारा है जो आप लोग देख रहे हैं। और मैं बहुत कम लेके जाती हूँ मोबाइल ऐसे मौसम में ना छत पे, क्योंकि मुझे डर लग रहा होता है कि मोबाइल ख़राब ना हो जाए, वरना फिर मैं किस तरह से वीडियोस बनाऊँगी। तो मैं बहुत कम रिस्क लेती हूँ, बस मैं बारिश को एंजॉय करती हूँ। बारिश के बाद इतना खूबसूरत लगता है सब कुछ। और ये आप देख सकते हैं कि ये जितने भी प्लांट्स हैं ये इतने अच्छे लग रहे हैं, साफ़ सुथरे, और इनका जो कलर है ना वो मज़ीद इन्हेंस होता है, बिल्कुल ग्रीन। तो ये मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना सारा, तो मैंने सोचा कि ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मैं। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं प्लांट्स, मुझे भी बहुत शौक़ है। मैं चाहती हूँ कि मैं छोटा सा गार्डन बनाऊँ अपने घर में, जहाँ पे मैं अपने फेवरेट पौधे लगाऊँ। मुझे बहुत शौक़ है गार्डनिंग का। और छत पे ना बहुत मज़ा आता है, छत पे अच्छा टाइम स्पेंड होता है। हम सारे कज़न्स ने बहुत इन्जॉय किया। बारिश इतनी ठंडी थी ना, हम सब इतना नहाए और हम लोग लिटरली थक गए थे बारिश में नहाते नहाते, लेकिन बिल्कुल भी दिल नहीं भर रहा था। और रात में इतनी अच्छी नींद आ रही है क्योंकि ठंड हो गई है ना, तो मज़ा आता है रात में सोने का। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले इतनी गर्मी हो रही थी ना कि रात में भी नींद नहीं आ रही थी, और अब मौसम इतना अच्छा हो गया है। ये सारी पिक्चर्स मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और जी इतना बारिश में इंजॉय किया, तो उसके बाद मज़ीद भूख लग गई, तो यहाँ पे पकोड़े बना रही हूँ मैं। मैंने बारिश शुरू होने से पहले ही सारा सामान तैयार कर लिया था। ये मैं पकौड़े बना रही हूँ, प्याज पालक और आलू के पकोड़े, और साथ में चाय भी बना रही हूँ क्योंकि ठंड लग रही थी तो सोचा चाय भी पी ली जाए। और यहाँ पे मैंने बनाई है चटनी, चटनी इतनी पसंद आई है सबको, मुझे भी बहुत पसंद आई। तो ये मज़े मज़े के पकोड़े हमने खाए चाय के साथ। और रात के खाने में मैंने बनाया बीफ पुलाव, जिसकी रेसिपी मैं अपलोड कर चुकी हूँ अपने न्यू चैनल पर। एक और मेरा न्यू चैनल है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं अभी बता रही हूँ, और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले लें। और मेरे चैनल पे जाइए, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट, अपने बहुत सारी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपके लिए मज़ीद अच्छा कंटेंट लेकर आती रहूँगी और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। तो अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।